ट्रिगोनोमेट्री में हम जब भी बात करेंगे तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल का बात होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री फिक्स होता है और दो अक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या है कि राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाले जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और इसका एब्रिविएशन है स्मॉल एच, ठीक है। फिर 90 का एंगल बनाने वाले जो दो साइड हैं, किसी को आप बेस और किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, परपेंडिकुलर अगर इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड साइड है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही हम लोग छोटे क्लास से भी देखते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये जो थ्योरम है जब भी लागू होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होगा। और ये क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायरिंग के सम के इक्वल होगा। दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस कि इस हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मींस कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई भी दो साइड दिया हुआ तो तीसरा हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देना कि कहीं पर भी अगर दो साइड है तीसरा निकालना है तो दिमाग हमारा यहीं पर आ जाना चाहिए कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, क्योंकि इस चीज का यूज हमारे पूरे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में होगा। क्लियर?